Hey guys, I hope you all are doing great. It's me, Dr. Rehana. आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग रेंज लेकर आई हूँ. काफ़ी जो एजड औरतें हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस प्रोडक्ट के लिए. हमारे पास प्रॉपर रेंज आई है कॉलेजन की बाय फेस शॉप एंटी एजिंग साइट के लिए. जैसे आप लोग अपनी 20 को हिट करते हैं आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम 1% कॉलेजन स्किन प्रोड्यूस करनी कम कर देती है. इसलिए कहा जाता है एज सून एज यू टर्न 25 यू शुड स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से आपका एजिंग प्रोसेस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रा डिले हो जाता है. इस पर्पज़ के लिए हम ये पूरी रेंज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एज लेवल के लिए नहीं है, एज आप 25 से लेके 35, 45, 55 जो मर्जी आपका रेंज है एज का, इट डज नॉट मैटर. इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. इसका इंस्टेंट इफेक्ट आता है और आपकी स्किन जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं टाइट फील करती है. ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी जो आपने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करनी है. सबसे पहले यू नीड योर फेस टू बी क्लीन, क्लेंजिंग करके अच्छे से और एक्सफोलिएट करके आप लोगों ने फिर अपने जो थर्ड स्टेप है उसके पास जाना है जो कि है टोनर. बेसिकली जो फेस शॉप की कॉलेजन रेंज है इसके अंदर पोमेग्रेनेट और हाइड्रोलाइज्ड कॉलेजन है. द थिंग इज़ के इन दोनों के मिक्सचर से आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिवर्स एजिंग इफेक्ट मिलता है जो कि एंटी एजिंग कहलाता है. आपको इंस्टेंट जब रिजल्ट मिलता है आपको जिस चीज़ को फील करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हाँ अब आपकी स्किन फिर से टाइट होने लग गई है. एंड एट द सेम टाइम जो आपका हाइड्रोलाइज कॉलेजन है वो आप जैसे अपनी स्किन पे लगाते हैं वो आपका एक तरह से एक्सटर्नली कॉलेजन जब आप अपनी स्किन को दे रहे हैं आपकी स्किन फिर से ज़रा नरिशमेंट मिलती है, ग्रोथ साइड पे जाती है और आपकी थोड़ी बहुत फाइन लाइंस डीप लाइंस में फ़र्क आने लग जाता है. और अगर आप इसको 25 की एज से स्टार्ट करें तो आपका जो एजिंग इफेक्ट है जो आपकी फाइन लाइंस और डीप लाइंस बननी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर लेट्स सपोज 26 पे बननी थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिले होके 30 पे बनेगी, अगर 30 में आप यूज़ करें 40 में बनेगी, इस तरह करके. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन योर फेस एंड एक्सफोलिएट योर स्किन वंस इन अ वीक एट लीस्ट. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द टोनर. टोनर के बाद आपने 5 मिनट्स वेट करना है एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई द सीरम. सीरम अप्लाई करने के बाद आपने अप्लाई करना है इमल्शन एंड आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स आपने अप्लाई कर देना है क्रीम. क्रीम के अप्लाई करने का क्यों हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है, बेसिकली एज सून एज यू आर गोइंग टू अप्लाई द क्रीम इसके अंदर मौजूद है पाम ऑयल. पाम ऑयल क्या करता है, आपकी जो बिल्कुल सारा मॉइस्चर है और प्लस इसके अंदर ग्लिसरीन भी है वो सारे मॉइस्चर को आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल लॉक कर देता है और इस तरह आपके जो वाटर है स्किन से वो एस्केप नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है एंड दिस इज़ एन अदर रीज़न वाई आपका एजिंग प्रोसेस डिले हो जाता है. ठीक है, सो प्लीज़ डू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स और हम लोगों को ज़रूर अपडेट कीजिएगा. थैंक यू.